नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है सुल्तानपुर की गलियों में। तभी हम सुल्तानपुर के राइन नगर में है। राइन नगर से पर्यावरण पार्क की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो पर्यावरण पार्क है वो नया कुछ बना है। देखते हैं, आप लोग को दिखाते भी हैं, क्योंकि सुल्तानपुर आए हैं तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को आना जाना ज़्यादा है और एक पब्लिक प्लेस है, वहाँ चलते हैं, देखते हैं कैसा है क्या है। फ्रेंड्स का एक शोरूम है, ओपनिंग हो रही है, यहाँ पे वी मार्ट भी है इस गली में, सुल्तानपुर के राइन नगर वाली गली में, राइन नगर वाली मोड़ का जो मेन चौराहा कौन सा पता करते हैं। अब लोगों से बात करेंगे एड्रेस पूछने के बहाने, और जैसे पता भी हो जाएगा कि कौन सा स्पॉट है, कौन जगह पे खड़े हैं। फिलहाल ये चौक आ गया कोई सामने, चौक के बारे में पता कर लेते हैं। महाराज जी मोबाइल केयर दरियापुर तिराहा। हाँ तो दोस्तों, अभी हम दरियापुर तिराहा पे हैं, ये दरियापुर तिराहा है, और किसी साथी से हम कुछ विशाल मेगा मार्ट भी है सामने। दरियापुर तिराहा पे गुप्ता बेकरी और ये विशाल मेगा मार्ट और दी मोटर्स, बी आर मोटर्स, ये मेन दुकानें हैं। और इसी रोड पे पर्यावरण पार्क है, तो अभी हम चल रहे हैं पर्यावरण पार्क, जो बहुत सुंदर बनाया गया है। अभी हमने सुना था, लेकिन सुल्तानपुर आए हैं तो देखना तो बनता ही है दोस्तों। तो वैसे ही किसी से पता भी कर लेते हैं, हमें पूछना था, बच्ची आगे बढ़ गई। यहाँ की रोड ही बड़ी खतरनाक है, बीच बीच में सही है, बीच में मिट्टी का ढेर लगा है, सड़क के भी 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है। रात से 5 मिनट तो लगना चाहिए, 5 मिनट में पहुँच जाना चाहिए रोड के रस के हिसाब से। मोहिनी गेस्ट हाउस सिविल लाइन बस स्टैंड के सामने सुल्तानपुर दरिया का। नंदा तो उड़ा हुआ कुर्सी तो, वाह भैया वाह, क्या सिस्टम है, क्या सेटअप है। बड़ी भीड़ है यार। भाई पर्यावरण पार्क कितनी दूर है? सीधे हैं उन्हें अपना पता नहीं ना, दादी के ऊपर काला चश्मा जचता है। वाह, क्या फोन कर रहे हो? क्या कहा तू, स्टेटस लगा होगा? बड़ा जाम है यार रोड पे, दरियागंज पार करके हम बहुत दूर चले आए हैं, क्या बोलते हैं इसको, दरियागंज रोड, कार्यालय पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर का ये कार्यालय है। और पूछ लेते हैं किसी से कैसे।
पर्यावरण पार्क किधर पड़े भाई? यहीं से आगे दीवानी चौराहा से राइट हो जाएगी। दीवानी से राइट, तो अभी हम पहुंच गए फिर से जहाँ पे हमारे देश किसान तिरंगा लहरा रहा है। अब इस जगह को क्या बोलते हैं, किस फराज मिल के बार ये भैया पर्यावरण पार्क किधर है आप बता दो भाई। अब बोल रहा बंदा उधर से कितनी दूर होगा? बंदे उल्टा बता देते, बोल रहे हैं घर से जाओ, पता नहीं है किसी को। गजब का बहुत सारे लोगों से पूछना भी नहीं चाहिए क्योंकि किसी किसी को पता भी नहीं होता, गलत बता देते। अब बोल रहे उधर जाओ, बोल रहे उधर जाओ, इधर वाला तो हमें सही लग रहा है जिस आप इधर आ सकते हैं। मौनी मंदिर है यहाँ पे, आगे ही पर्यावरण पार्क है, जिला सैनिक कार्य कल्याण एवं पुनर्वास सुल्तानपुर। अच्छा ये काफी झूला है, दुबई थीम अच्छा है सुल्तानपुर के लिए यार, तो घूमने लायक है यार ये बुर्ज खलीफा। हाँ यार पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार, हमें जाना कहाँ है, देख कहाँ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा जिला सर। भैया पर्यावरण पार्क किधर है नहीं पता क्या? मेरे ना हमें लगा था कोर्ट में पहुंच गए हम लोग सुल्तानपुर की। भैया पर्यावरण पार्क किधर पड़े भाई? तीन बार पूछे लोगों से पता नहीं होता। धन्यवाद सीतापुर। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं बड़ी मशक्कत के बाद भैया, बड़ा जाम है, बड़ी भीड़ है। पर्यावरण पार्क, पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए लोगों को सही जानकारी भी रखनी चाहिए। अरे यार कहाँ है यार, हमें लगा हम पहुंच गए, अभी भी दूर है भाई। पर्यावरण पार्क किधर है? पर्यावरण पार्क किधर पड़ेगा? पर्यावरण पार्क बहुत दूर है का बच्ची से, मैं गलत बताओ था कि उधर के उधर से नहीं। हाँ ज्यादा दूर है का भैया? ज्यादा नहीं है, किलोमीटर है नहीं, जो बोर्ड लिख रहा हरा बोर्ड है वही क्या? ठीक। एक लोकेशन पूछने के लिए इतना पूछना पड़ता है और ये भी सही टाइम पे नहीं पहुंच पाते। प्राचीन क्या लिखा था संकट मोचन मंदिर, जय श्री राम। अभी हम संकट मोचन मंदिर ही पहुँचे हैं, पर्यावरण पार्क का पहुँचे हैं, देखते हैं। भाई इधर पर्यावरण पार्क किधर है? चलो भाई पहुँचा कम से कम, तो हमें तो लगा ना पहुँच गए, तो सोने हिसाब सब एड्रेस बतावत रहा है। तो वैसे पार्क का नाम लेते ही ठंडक महसूस होने लगा,
तो ये बड़ा अच्छा लगा कि हम पर्यावरण कारक में इंटर कर चुके हैं। अब एंट्री बाइक की किधर से है या नहीं ये जानना है। ये बंद है क्या चाची गेट? और कोई गेट है इधर आगे? उधर के देखो खुल गया, समय हो गया तो खुल गया। फार खुलने का रिस्क कल 4 बजे से भाई, बहुत गलत लोकेशन टाइम से आए अभी हम लोग। तो दोस्तों ये गेट है, आप देख सकते हैं, पूरा 10 मिनट लगा इस पार्क तक पहुंचने में, लेकिन कुछ खास दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि पार्क अभी बंद है। और लेकिन अंदर तो लोग बैठे भी हैं भाई, पर्यावरण पार्क नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर सूचना आप कैमरे की नज़र में है, पार्क को स्वच्छ रखने में सहयोग करें, कृपया समय का ध्यान दें, वाहन प्रवेश वर्जित है, फूल तोड़ना सख्त मना है, पार्क के अंदर पालतू जानवर लाना मना है, पार्क के अंदर क्रिकेट फुटबॉल हॉकी खेलना मना है। पर्यावरण पार्क हार्दिक स्वागत करता है। और श्री राधा कृष्ण सिंह IAS जिलाधिकारी सुल्तानपुर, थोड़ा सा दिखाई देते हैं झलक आपसे। ये तो कुछ इस तरह से है, सभी पेड़ों पे तिरंगा का यहाँ पे चिन्ह बना हुआ है सभी पेड़ों पे। और ये जाली लगी है, खतरनाक है, पता नहीं करंट वरंट तो नहीं है इसमें। तो अंदर बढ़िया मतलब डिजाइन किया गया है पार्क को अलग अलग तरीके से, हमें तो नहीं लगता घूम पाएंगे क्योंकि 4 बजे इसका खुलने का टाइम है। तो बड़ी मेहनत से हम लोग पहुँचे किसी तरह सुल्तानपुर के पर्यावरण पार्क, पता लगा पार्क अभी क्लोज है। और ये कितने बजे टाइमिंग दिया है यार? 4 बजे, गर्मियों में 4 बजे से 10 बजे तक खुलेगा, मतलब 4 बजे आना चाहिए था। तो देखते हैं, अभी तो हम सुल्तानपुर में ही है फिलहाल, कुछ खास नहीं दिखा पाए लेकिन थोड़ा सा झलक तो दिखाए ही है। मतलब पूरे पार्क को अच्छा डिज़ाइन किया गया है, शाम के टाइम यहाँ पे बड़ा आनंद आएगा। तो सुल्तानपुर के लोग आइए और अपना टाइम बिताइए। तो इतना ही इस वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।